वह इतना भी महान नहीं है। रवि शास्त्री ने पाकिस्तान तेज गेंदबाज शाहीन अफरीदी को लताड़ा। आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 में पाकिस्तान पर भारत की 7 विकेट की जोरदार जीत ने भारत के खिलाफ वनडे वर्ल्ड कप मैचों में पाकिस्तान की असफलता का सिलसिला बढ़ा दिया है। अहमदाबाद में खेला गया ये मैच एक तरफा रहा, जिसमें रोहित शर्मा और उनकी टीम बाबर आजम की टीम पर भारी पड़ी। यहां तक कि पाकिस्तान के बेहद सम्मानित गेंदबाज शाहीन अफरीदी भी रोहित शर्मा के अटैक का सामना नहीं कर सके। मैदान पर अफरीदी के चुनौतीपूर्ण समय के दौरान रवि शास्त्री ने तेज गेंदबाज को लेकर तीखा बयान दिया है। भारत के खिलाफ वर्ल्ड कप जीतने का पाकिस्तान का सपना अहमदाबाद में अधूरा रह गया। टीम इंडिया के दबदबे वाले मैच में रोहित शर्मा की टीम ने बाबर आजम और उनकी टीम को 7 विकेट से हरा दिया। रोहित शर्मा के दमदार बल्लेबाजी प्रदर्शन से पाकिस्तान को अपने तेज गेंदबाजों पर आत्मविश्वास का पछतावा हुआ। पाकिस्तान के सबसे भरोसेमंद गेंदबाज शाहीन अफरीदी भी रोहित शर्मा की विस्फोटक फॉर्म से नहीं बच पाए। मैच के दौरान अफरीदी पर कमेंट करते हुए गेंदबाज के प्रदर्शन को लेकर रवि शास्त्री का बयान सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। रवि शास्त्री ने कहा कि मेरा मानना है कि वह नई गेंद से विकेट ले सकते हैं, वह एक अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन अत्यधिक दावे करने की जरूरत नहीं है। अगर वह अच्छा है तो आप इसे स्वीकार करते हैं, वह एक अच्छा गेंदबाज है, उसे ऊपर उठाने की कोई जरूरत नहीं है। एक महान गेंदबाज का दर्जा हम इतनी जल्दी नहीं दे सकते, वह एक महान गेंदबाज नहीं है और हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इस जीत के साथ ही भारत ने वनडे वर्ल्ड कप में पाकिस्तान पर 8-0 की बढ़त बना ली है। अहमदाबाद में हुए मैच में पाकिस्तान की पूरी टीम बल्लेबाजी करते हुए महज 191 रनों पर आउट हो गई। बाबर और रिजवान को छोड़ पाकिस्तान का कोई भी बल्लेबाज भारतीय गेंदबाजों का दबाव नहीं झेल सका। भारत की ओर से बुमराह और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट लिए। पाकिस्तान के 192 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी भारत को कप्तान रोहित शर्मा ने विस्फोटक शुरुआत दी। रोहित शर्मा के दमदार प्रदर्शन ने मैच को निर्णायक रूप से भारत के पक्ष में मोड़ दिया। हिटमैन ने केवल 63 गेंदों पर 86 रनों की विस्फोटक पारी खेली, जिसमें 6 चौके और 6 छक्के ही शामिल थे। भारत ने 192 रनों के लक्ष्य को 30.3 ओवर में केवल 3 विकेट खोकर सफलतापूर्वक हासिल कर लिया।